हेलो दोस्त, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस का चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, उसमें से 5 आरआरबी का आ चुका है। ऑफिशियल डिटेल चेन्नई, इलाहाबाद, आप कह सकते हैं अहमदाबाद, बंगलुरु और चंडीगढ़ का। बाकी और आरआरबी का भी अंडर प्रोसेस है। नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नवंबर में भी 4 नवंबर तक का आ गया है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेवल 5 और 2 के जो कैंडिडेट है साइको टाइपिंग टेस्ट में, जो विद्यार्थी जितने हैं वो पूरी एनटीपीसी की जितनी वैकेंट सीट है 35,282, उससे ज़्यादा कैंडिडेट भरने के लिए काफ़ी है और उनकी कट ऑफ भी ठीक ठाक कैंडिडेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेवल 6 का डुप्लीकेट कैंडिडेट है, तो मैं कहता हूं कि लेवल 6 नहीं, इस बार हम केवल लेवल 2 और 5 की बात करेंगे और दोनों कैंडिडेट को जोड़ देंगे तो हर वैकेंसी में आपको हर आरआरबी में इतने कैंडिडेट मिल जाएंगे, हर कम्युनिटी में इतने कैंडिडेट मिल जाएंगे कि पूरी वैकेंसी को केवल एक ही ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर दें और तभी भी बच जाएंगे हर कम्युनिटी में कैंडिडेट। ये बड़ी एक है कि इसी के कारण से कटअप बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हम कटअप की बात नहीं करेंगे, आरआरबी अहमदाबाद का डाटा का बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए तो कितने अभी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी इंतजार करेंगे जॉब का। 8 गुना कैंडिडेट लिया है, डुप्लीकेट कैंडिडेट भी हैं और डुप्लीकेट कैंडिडेट के बाद कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट निकाल लेंगे तो सारा कुछ कुछ दिखने लगेगा। हालांकि इससे कट ऑफ एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, और कट ऑफ बताने का मतलब है कि अपने परिवार में अशांति फैलाना। अशांति मतलब कहें अपने जितने यूट्यूब पे आपके जानने वाले पहचानने वाले हैं फैमिली मेंबर में, वो अशांति में आ जाते हैं, उनको लगता है कि जॉब तो यूट्यूबर ही देने लगा है। तो ऐसा नहीं है, एनालिसिस डाटा का होता है, जॉब तो रेलवे को देना है और जॉब किसको मिलेगा, कैंडिडेट को मिलेगा, ये शुरू से मैं बात करते आ रहा हूँ। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनती है उसके हिसाब से एनालिसिस होता है। एनालिसिस 80% सही हो सकता है, 20% तो गलत होता ही होता है, और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में 80% सही हो सकता है या इससे कम होता है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे डाटा की बात करेंगे, कटअप के टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट पॉइंट नंबर बहुत अंतर पड़ जाता है, इसलिए कर रहा हूँ। अहमदाबाद में आप जाएंगे तो लेवल 6 के लिए वैकेंसी टोटल 8 थी, 8 सीटों का 6 यूआर का था, 1 एसी का था, 1 ओबीसी का था। ओबीसी का एक जो कैंडिडेट था वो एक सर्विस मैन के नाम पे गया है, ये क्योंकि वो आपको ओबीसी का यहाँ कटअप नहीं दिखेगा सीट में, वो ओबीसी का जो कटअप दिखेगा वो आपको दिखेगा एक सर्विस मैन वाले कटअप में। यूआर में 3 वैकेंसी थी, 3 में से 1 कैंडिडेट ओबीसी वाले ले गए और 2 कैंडिडेट ले गए आपके, 6 में से 3 कैंडिडेट यूआर के ले गए, 1 ओबीसी का और 2 ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट ले गए, जिससे यूआर का कटअप 89.84 है और आपका एसी का एक कम्युनिटी है, अपने कम्युनिटी में क्वालिफाई किए कैंडिडेट, वो 84.75 है। यहाँ पे इतना ही है आपका लेवल 6 का डिटेल में। उसके बाद स्टेशन मास्टर का यहाँ पोस्ट अगर देखेंगे तो 290 था, अच्छा खासा था। यूआर की खास करके यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी, हर कम्युनिटी से 177 थी, उसके लिए 463 कैंडिडेट यूआर के थे, बाकी कैंडिडेट एसी के लिए 26 पोस्ट के लिए 376 कैंडिडेट साइको टेस्ट में थे। ये साइको टेस्ट का है, आपको ब्लू रंग का कलर दिख रहा है, ये साइको टेस्ट के लिए है। 8 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई कराने थे, यानी फाइनल वैकेंसी थी आपका एसटी कम्युनिटी के, उसके लिए 78 कैंडिडेट थे, 53 कैंडिडेट ओबीसी के लेने थे, 1,638 कैंडिडेट थे। जैसा कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट है तो पता ही है यूआर में बहुत सारे होंगे। 26 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के थे, 389 गए और 389 में से बहुत कैंडिडेट इधर चले गए। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सीधा सीधा 8 से गुना कर दें, 8 × 25 = 40, यहाँ से देखिएगा 8 × 25 = 40 और 5 × 3 = 15, यानी 400 कैंडिडेट केवल इसमें ओबीसी के कटअप में है, बाकी ये 600 कैंडिडेट हैं वो किस में क्वालिफाई किए हैं, यूआर के कटअप में। क्योंकि सिंपल सा देखिएगा, 53 के 8 गुना ओबीसी का लेगा, सिंपल सा आपको यहाँ से एक आइडिया लगेगा, 53 के 8 गुना कैंडिडेट लेंगे, यानी 415 20 30 40 कैंडिडेट के आसपास ओबीसी में, बाकी सब कैंडिडेट यूआर में, यानी 600 कैंडिडेट। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 26 के लेना है तो 26 का 8 गुना करेंगे तो 8 × 2 = 16 और 8 × 48 करीब 200 कुछ लोग आपके ईडब्ल्यूएस में, बाकी 100 कुछ कैंडिडेट है 189 के आसपास या उससे ज़्यादा यूआर में क्वालिफाई किए हैं। उसी तरह अगर देखेंगे 8 64 कैंडिडेट यहाँ पे
किसके कैंडिडेट हैं, एसटी के हैं वो आपने कम्युनिटी में, और 64 के अलावा जो 14 कैंडिडेट हैं क्वालिफाई एसटी के वो यूआर का कट ऑफ फाइन किए हैं। उसके बाद 26 कैंडिडेट के लिए लेना था यहाँ वैकेंसी थीम इसी के तरह से, तो लगभग लगभग पौने 200 के आसपास कैंडिडेट एसी के यहाँ लेने थे, तो 100-150 कैंडिडेट 61 सर नंबर से ज़्यादा ला के एसटी एसी वाले कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं। सिंपल सी मैथमेटिक्स तो आपको यहाँ समझ ही में आ रहा होगा। तो ये थे पूरा आपको लेवल टाइपिंग टेस्ट से लेके आपका साइको टेस्ट से लेके वैकेंसी का एनालिसिस के रूप में। लेकिन जब आपकी साइको टेस्ट की कटअप 120 में यहाँ बात हो रही है, एक मिनट देख लीजिएगा, साइको टेस्ट की कटअप 120 में बात हो रही है, तो यूआर का 61 गया था, 61 चलिए यूआर से पहले शुरू कर लेते, यूआर का 61.02 गया था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट आया तो 100 के टर्म में इधर और 120 के टर्म में इधर कटअप को देखेंगे तो 61 से कटअप 75 हो गया, यानी 14 नंबर यूआर में इंक्रीज कर गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14 नंबर इंक्रीज कर गया, और ये 14 नंबर इंक्रीज करने का कारण आपको दिख रहा है कि 177 वैकेंसी थी, 463 लोग इधर से, 600 इधर से, 150-200 इधर से, और 150-200 इधर से, 14 कैंडिडेट इधर से भी ये यूआर में फाइट कर रहे थे, जिसके कारण से ये कटअप 14 नंबर बढ़ा है। कुछ साइको का भी रोल है, साइको में भी एक दो नंबर बढ़ा है। उसके बाद दूसरे कम्युनिटी में बात करेंगे, यहाँ पे आपका एसी कम्युनिटी का, एसी कम्युनिटी का 50 गया था, सब लोगों को लगा बहुत कम में सिलेक्शन हो जाएगा, 50-70-20 नंबर बढ़ के सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 46 नंबर में आपका यहाँ पे आपका एसटी कम्युनिटी का कटअप गया था, और 46 से बढ़ गया यहाँ पे 64, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50-14 और 18 नंबर करीब करीब यहाँ। उसके बाद यहाँ पे 54 गया था ओबीसी का कटअप, लगा था बहुत कम रहेगा, यहाँ पे कटअप हो गया 72, यानी 54 से 72 16 और 2 18 नंबर यहाँ भी इंक्रीज। और यहाँ से देखिएगा आपका ओबीसी का 49 कैंडिडेट 49 गया था 50 से नीचे, और यहाँ पे चला गया 68, यानी कह दे 18-19 नंबर यहाँ भी, यानी 18-19-20 और 14 नंबर बढ़ा है। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, बाकी आरआरबी में देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि बाकी आरआरबी में यूआर के कटअप कम बढ़ा है, क्यों, क्योंकि वहाँ यूआर का ज़्यादा चला गया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे किसकी बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद का यूआर का कटअप कम था साइको टेस्ट के लिए, लेकिन साइको के बाद ऊपर तेजी से बढ़ा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं बढ़ा, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ गैप 14 नंबर का आया, बाकी आरआरबी में 7-8-9 नंबर का गैप है, यहाँ पे यूआर में ज़्यादा गैप है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये गैप किस लिए हो रहा है, कैंडिडेट क्वालिफाई के लिए। लेकिन उसके बाद अब जब फाइनल रिजल्ट आया तो देखिए यहाँ पर पोस्ट थी 177 यूआर का, एक मिनट मैं थोड़ा सा अभी छोटा करूँगा तो और दिखेगा आपको, एक मिनट, हाँ 177 पोस्ट थी यूआर का, 177 के अगेंस्ट मात्र 56 लोग यूआर से क्वालिफाई कर गए, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसी कैंडिडेट वाले क्वालिफाई कर गए, जिससे 121 कैंडिडेटों को मौका मिला ईडब्ल्यूएस और आपके ओबीसी का, जो इस पोस्ट को भर सके। अब यहाँ पे देखिएगा उसके बाद एसी के लिए टोटल कितनी थी, 34 लोग क्वालिफाई किए हैं, और टोटल वैकेंसी थी 26 वैकेंसी थी 34, यानी 8 कैंडिडेट यूआर के सीट में गए। उसी तरह 8 सीट थी आपका एसटी का, 9 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, 1 कैंडिडेट इधर गए। और यहाँ पे मैंने एक डाटा निकाला था कि देखिए कितनी पोस्ट है, 8 पोस्ट के 8×8=72, 6 कैंडिडेट और थे, एक मिनट, 8 पोस्ट था, 8×8=64 होगा, और यहाँ पे 68 कैंडिडेट थे, 78 कैंडिडेट थे, यानी 14 कैंडिडेट और बच रहे थे। 14 में से मात्र एक कैंडिडेट, पहले 14 कैंडिडेट किस में क्वालिफाई किए थे, यूआर में, लेकिन जब साइको टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आया तो एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई किया कम्युनिटी से, एसटी कम्युनिटी से यूआर में, बाकी 13 के 13 अभी भी वेट कर रहे हैं। उनका सिलेक्शन किस में हो गया, तो अपने किस वाले पोस्ट में, एक मिनट, अपने किस वाले में, अपने ओरिजिनल कम्युनिटी में या तो सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। यानी ध्यान दीजिएगा, पहले हम कह रहे थे यहाँ 78 में से 14 कैंडिडेट किस में थे, एक चीज़ मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, 14 कैंडिडेट कित में थे, यूआर में थे, और यूआर में उनका नंबर कितना था, 62 यहाँ था,
अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 62 से यहाँ 64 जो कट ऑफ गया है 64.5, यानी जो ये 14 कैंडिडेट थे वही तो नहीं 8 के 8, 9 के सीट यहाँ क्वालिफाई कर गए। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये कैंडिडेट तो यूआर में गया, बाकी कैंडिडेट यही हुआ। और यही मैंने बताया था सीबीएटी के टाइम पे, सीबीएटी के बाद में, कि जो लोग यूआर में क्वालिफाई अभी कर गए हैं, अगर वो क्वालिफाई यूआर का कट ऑफ बढ़ जाने के कारण यूआर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर से बैक अपने कम्युनिटी में आ जाएंगे, जिसके कारण से कम्युनिटी का कट ऑफ यहाँ पे तो दिख रहा है कि 46 है, लेकिन यहाँ बढ़ेगा बहुत तेज से। और उसका एग्जाम्पल ये है कि यहाँ से 46 से 64 यानी 50 और 10 60 4 14 और यहाँ पे 4 18 नंबर इसीलिए बढ़ा है क्योंकि पहले ही कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा था, वही नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। और उसके बाद अगर बात करेंगे ओबीसी का, ओबीसी का कट ऑफ गुजरात यानी अहमदाबाद और कह दे कि WR में 54 गया था, वो कट ऑफ बढ़ गया 70 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट के टर्म में देखेंगे कि कैंडिडेट कितने थे, एक मिनट, कैंडिडेट के टर्म में देखेंगे तो यहाँ कैंडिडेट देखिए, पहले 1018 थे, उसमें से 600 कैंडिडेट यूआर में थे, लेकिन जब यहाँ सिलेक्शन हुआ तो मात्र 199 कैंडिडेटों का हुआ और 86 कैंडिडेट अभी भी यूआर में क्वालिफाई किए, तब भी कट ऑफ 72 चला गया, यानी 64 से 72 के बीच में बहुत फासला है। इसका कारण ये है कि 62 से ज़्यादा 600 लोगों का नंबर था। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 49.15 की बात करेंगे, जो आपका EWS का था, इसमें 389 कैंडिडेट थे, 92 लोग क्वालिफाई किए, लेकिन सीटें कितनी थी, मात्र 26 थी। तो बाकी कैंडिडेट जो बचे वो किस में चले गए, 26 कैंडिडेट चले गए आपके इधर में। अब यहाँ पे देखिए, अब रिजल्ट तो जारी हो गया, किसका, लेवल 6 का। लेवल 6 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है अहमदाबाद का, आ भी गया है। अब यहाँ पे देखिए, लेवल 6 में जो रिजल्ट जारी हुआ है, लेवल 5 में जो टाइपिंग टेस्ट है, दोनों में अभी भी 209 कैंडिडेट कॉमन है, यानी लेवल 6 में जो कैंडिडेट है वो 209 कैंडिडेट अभी भी लेवल 5 में है, और वैसे ही लेवल 2 में कितने कैंडिडेट है, 26 कैंडिडेट है। तो लेवल 6 में क्वालिफाई कर जाएंगे तो 209 लोगों को नीचे जगह नहीं मिलेगा, इसलिए अब यहाँ के कैंडिडेटों में, यहाँ का कटअप जो नीचे आपको दिखेगा कैंडिडेट, इसमें से एक मिनट, यहाँ पे जो कैंडिडेट दिखेगा, एक मिनट, एक 1190, इसमें से 209 को तो आप घटा सकते हैं, लेकिन इशू ये बनेगा कि जो बाकी वाले जो कैंडिडेट इसमें सारे हैं, उसमें कुछ लोग पहले से क्या होता है, सीबीएटी के लिए पोस्ट प्रिफ्रेंस नहीं देते हैं और टाइपिंग के लिए देते हैं, कुछ लोगों को लेवल 6 में क्वालिफाई नहीं किए, केवल यहाँ देना है, तो वो कैंडिडेट रह जाएंगे। तो एक्चुअल कैंडिडेट यहाँ पे देखेंगे 1190 है, इसमें से वो लेवल 209 कैंडिडेट तो कम होंगे अगर वहाँ पे वो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग हैं और जो कैंडिडेट हैं वो नीचे की तरफ भी आएंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर 900 लोग हैं और वैकेंसी कितनी है, 124 यहाँ पे लेवल 5 में और गुड गार्ड्स वगैरह वाला दोनों मिला के 123 AA में, नॉन टाइपिंग वाला, तो टेस्ट का लिए एक मिनट, 224 और कितने हैं गुड गार्ड्स का, एक मिनट, ऊपर में है 126 है दोनों मिला के लेवल 5 में, नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट का 126, ये टोटल पोस्ट कितने बच गए, 124 और 126, यानी टोटल कहेंगे 150-150, 300 से थोड़ी कम, उसमें भी EWS का कुछ, EWS कर रहे, एक सर्विसमैन का कुछ रिजर्वेशन, यानी 300 पोस्ट यहाँ पे आपको बचता है और 300 पोस्ट से में आपके कैंडिडेट यहाँ पे हम वो ओरिजिनल रूप से 209 को घटा भी दे तो 900 कैंडिडेट है, 900 में टाइको 300 कैंडिडेट इधर है, और इसमें से अगर 50% भी टाइपिंग टेस्ट पास हो गए तो आपके करीब करीब 450 कैंडिडेट रहेंगे, यानी 300 के वैकेंसी पे 450 कैंडिडेट है। तो कटअप तो अभी अच्छा खासा बढ़ेगा और खास करके कम्युनिटी के कारण से भी बढ़ेगा। अगर सारे का मैं मान लेता हूँ, मैं ये भी मान लेता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट वाले कटअप जो कैंडिडेट है वो नॉन टाइपिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, जबकि हमें पता है कि नॉन टाइपिंग के लिए और कैंडिडेट बाहर से इंटर मारेंगे, लेवल 6 वाला भी इंटर मारेंगे और सब इंटर मारेंगे, क्योंकि वो लेवल 6 में जो कैंडिडेट अभी बच रहे हैं वो नॉन टाइपिंग में तो जाएंगे, टाइपिंग का ही तो आपने डुप्लीकेट कैंडिडेट और हमने निकाला है तो यहाँ पे वो बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम नंबर का तो नहीं बात करेंगे, लेकिन नंबर तो ये जो अभी टाइपिंग टेस्ट का कटअप गया है, यहाँ पे देख लीजिए 75 यूआर का गया है, 65 आपका एससी का, 56 गया है एसटी का, 70 ओबीसी का और 67 गया है आपका ईडब्ल्यूएस का, ये अभी
इंक्रीज करेगा, और मैं बाकी आरआरबी में बात कर रखा हूं कि इंक्रीज अच्छा खासा करेगा, लेकिन अगर हम नंबर बताते हैं तो इशू ये होता है कि हमारे ही अपने फैमिली के लोगों में अपने में ही मारामारी शुरू हो जाती है, या तो कहेंगे कि यूट्यूबर को कुछ नहीं आता या कुछ नहीं आता, इसलिए नंबर रेलवे के लिए छोड़ दीजिए, रेलवे भर देगा, लेकिन इससे तो ज़्यादा कट ऑफ अभी जाना तय है, और कितना ज़्यादा जाएगा अब वेट करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला भी है, शुरू से भी बोला है कि जहाँ पे ऑलरेडी कट ऑफ ज़्यादा गया है वहाँ कट ऑफ कम बढ़ेगा, और जहाँ कट ऑफ ऑलरेडी कम है वहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा। उसके बाद लेवल टू की बात करेंगे। लेवल टू में कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट लगभग न के बराबर है। लेवल सिक्स से 241 तो है, लेवल सिक्स से 241 कैंडिडेट हैं, लेकिन कैंडिडेटों की संख्या 1024 है, और बहुत सारे टेस्ट में ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो अभी ये लेवल थ्री वाले पोस्ट के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट और वगैरह नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण से वो कैंडिडेट भी अभी पिक्चर में नहीं आए हैं। हालांकि वो संख्या कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, सबने पोस्ट प्रायोरिटी लगभग भर लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, कटअप 75.33 यूआर का गया है, 63 गया है आपका एसटी का, एससी का, एसटी के 59, 70 ओबीसी का और 67 ए। तो यहाँ पे भी अभी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट लेवल टू और लेवल फाइव दोनों को मिला देंगे तो अच्छे खासे में इतने संख्या लोग हैं कि दो लेवल फाइव, टू और सिक्स सबकी वैकेंसी अभी भी भरा जा सकता है इनसे। और जितने भी लोग टाइपिंग टेस्ट फेल होंगे 50% वो किस में चले जाएंगे, नॉन टाइपिंग में चले जाएंगे, और नॉन टाइपिंग टेस्ट में वाले पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी इनकी ये संख्या 50% जो फेल होंगे, या हो सकता है 60% जो टाइपिंग टेस्ट फेल होंगे, जितनी भी फेल होंगे वो डाटा ऑफिशियल आरआरबी के पास होगा। जितने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट सिक्योर नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे, वो नॉन टाइपिंग वाले में जाएंगे तो वो कैंडिडेट वहाँ पे डबल हो जाएंगे। इसलिए टाइपिंग टेस्ट से नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला का कटअप हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे ट्रेन कलर का, तो ट्रेन कलर में आप देखिए कितने हैं, 27 पोस्ट है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 8 है, कहीं पे 2 है, यूआर का खास करके 10 है, तो इसका कटअप तो हर ऑल पोस्टों से ज़्यादा जाएगा, ये मैक्सिमम जाएगा। ऊपर में कॉम्पर्शियल अप्रेंटिस और नीचे में ट्रेन कलर्क, ये दोनों एक ही सिमिलर नेचर के पोस्ट हैं। हालांकि ट्रेन कलर्क का पोस्टों का संख्या ज़्यादा है और कॉमर्शियल अप्रेंटिस के पोस्टों का संख्या कम था, थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे बात करेंगे ये वाले पोस्ट की, जितनी कैंडिडेट हैं उससे क्या होगा, तो लेवल टू में देखिए कितनी भी कैंडिडेट चले जाएँ, 48 पोस्ट है टाइपिंग टेस्ट वाले और 146 कैंडिडेट हैं, 145 हैं। एससी में 20 पोस्ट है, 188 कैंडिडेट हैं, 9 पोस्ट इधर है, 79 है, 35 पोस्ट यहाँ है, 490 है ओबीसी में, 11 ईडब्ल्यूएस में है, 122 कैंडिडेट हैं, उसमें से भी यूआर में गए हैं, कुछ ना कुछ तो गए ही हैं सभी कम्युनिटी से। एसटी में बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको एससी में भी जा रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। और ये सारा चीज़ों को देखेंगे ना, तो लेवल यहाँ से ध्यान से देखिएगा, लेवल फाइव का जो कैंडिडेट है वो लेवल टू में कोई भी डुप्लीकेट कैंडिडेट नहीं है। तो ये कम से कम मान लीजिए कि लेवल फाइव टू का टाइपिंग पोस्ट हो, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये पोस्टों को जोड़ लीजिए, 249 मान लीजिए यहाँ से जोड़ सकते हैं, 1190 और 1074 दोनों अगर जोड़ देंगे तो आपके पास करीब 2100 प्लस कैंडिडेट आ जाएंगे जो सामने दिख रहे हैं टाइपिंग टेस्ट तक के लिए। और इसमें से 2100 में से आप मान लीजिए वो ऊपर के 209 कैंडिडेट को घटा भी देंगे तो 1900 कैंडिडेट हैं, और 1900 कैंडिडेट को पोस्ट भरने कितने हैं, पोस्ट भरा जाना है अगर टोटल देखेंगे तो यहाँ से 123 यहाँ से लेवल टू का, इधर से 282 यानी दोनों मिला के हो गए 400 सीट, 400 हो गए, और यहाँ से 124 5.5 हो गए, और 5.5 के बाद 126 और नीचे वाला कॉमर्शियल करते हुए यानी 650 के सीट भरने के लिए अभी भी 1900 लोग पिक्चर में हैं। जबकि हम इसमें ये नहीं बात कर रहे हैं कि लेवल सिक्स के कैंडिडेट जो जिनको जगह नहीं मिला है, यानी 2400 कैंडिडेटों में से हम तो बाकी का घटा दिए जो लोग क्वालिफाई किए हैं, 2344 में से हम 290 तो घटा दिए, बाकी जो कैंडिडेट हैं यानी 2000 कैंडिडेट हैं, कुछ डुप्लीकेट के रूप में नीचे और कुछ नहीं डुप्लीकेट के रूप में, नॉन टाइपिंग वाले में जाएंगे, टाइपिंग में तो काउंट हो गया लेकिन नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में तो जाएंगे,
तो आप कह सकते हैं कि 1900 डायरेक्ट कैंडिडेट और 650 पोस्ट है, अभी भी कटअप बचा हुआ है अहमदाबाद में बढ़ने के लिए। ऐसा है कि बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा आरआरबी बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद।